भाइयों और बहनों, करतारपुर सिर्फ गुरु नानक देव जी की कर्मभूमि नहीं है, करतारपुर के कण कण में गुरु नानक देव जी का उस पसीने की महक मिली हुई है, उसकी वायु में उनकी वाणी घुली हुई है। करतारपुर की धरती पर ही हल चलाकर उन्होंने अपने पहले नियम कीरत करो का उदाहरण प्रस्तुत किया। इसी धरती पर उन्होंने नाम जपो की विधि बताई और यहीं पर अपनी मेहनत से पैदा की गई फसल को मिल बांटकर खाने की रीत भी शुरू की, वंड छको का मंत्र दिया। साथियों, इस पवित्र स्थली के लिए हम जितना भी कुछ कर पाएंगे उतना कम ही रहेगा। ये कॉरिडोर, इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट हर दिन हजारों श्रद्धालुओं की सेवा करेगा, उन्हें गुरुद्वारा दरबार साहब के करीब ले जाएगा। कहते हैं शब्द हमेशा ऊर्जा बनकर वातावरण में विद्यमान रहते हैं। करतारपुर से मिली गुरुवाणी की ऊर्जा सिर्फ हमारे सिख भाई बहनों को ही नहीं बल्कि हर भारतवासी को अपना आशीर्वाद देगी।